जिन्होंने एक लंबा संघर्ष बुद्ध के शब्दों का भारत बनाने के लिए किया था। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी इस देश की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले जी आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज जी भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत पेरियार रामास्वामी नाईक नारायण गुरु संत गाड़गे संत घासीराम और इसी कड़ी को उत्तर भारत ने कभी बढ़ाया माननीय रामस्वरूप वर्मा पेरियार ललई सिंह यादव महाराज सिंह भारती और बिहार के ललित कहे जाने वाले शहीद जगदेव कुशवाहा जी शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कि इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन रूपी विरासत को धार दिया मानवर कांशीराम जी ने और इन्हीं महापुरुषों की विचारधारा को मैं आपके घर घर और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी लोग भ्रम ढकोसले पाखंड छलावे से बचने का काम करें, क्योंकि यहां पर कुछ लोगों ने धर्म का चादर ओढ़कर इस देश की इंसानियत का कत्लेआम करने की कोशिश किया है। कुछ लोगों ने इंसान को वर्णों में बांटा है, कुछ लोगों ने जातियों में बांटा है, जात पात छुआछूत ऊंच नीच में बांटने का पाप किया है, भेदभाव मूलक समाज की सृजना करके लोगों को ऊंच होने का प्रमाण पत्र तो दूसरी ओर नीच होने का प्रमाण पत्र देने का पाप किया है। यही कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला दूसरा देश भारत हजारों साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया है। आप जानते हैं ये वो भारत है जो सोने की चिड़िया कहलाता था, ये वो भारत है जब सम्राट अशोक के जमाने में लोगों के घर में ताले नहीं लगते थे, चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं पड़ती थी, बहन बेटियों का सम्मान होता था, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, तमाम कल्याणकारी योजनाएं न केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और पक्षियों के लिए भी संचालित किए जाते थे। लेकिन उसी सोने की चिड़िया वाले भारत को यहां पर धर्म का चादर ओढ़कर कुछ पापियों ने पूरे समाज को जात पात छुआछूत दूसरी पे बांटने का पाप किया है। इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हम सभी इंसान हैं, हम सभी पहले इंसान हैं, मानव हैं, इसीलिए बुद्ध के विचारों पर चलने वाले लोग नारा लगाते हैं कि मानव मानव एक समान। आज इंसान इंसान है, हम इंसान को जातियों में नहीं बांट सकते, बंटवारा तो जानवरों में होता है क्योंकि उनके भिन्न भिन्न आकार होते हैं, भिन्न भिन्न बनावट होती है, हाथी ऊंट घोड़े गाय भैंस गधे सुअर बकरी सबकी अलग अलग बनावट, और सबकी बनावट को देखकर आपका छोटा सा बच्चा भी जान जाता है ये भैंस है ये ऊंट है
ये हाथी है क्योंकि उनकी संरचना अलग है। लेकिन यहां जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप दूर के हैं तो ये नहीं कह सकते कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, आप नहीं कह सकते हो। चेहरा देख करके आप अंतर नहीं बता सकते हो। इसका मतलब है इंसानों में जातियां, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का जो भाव पैदा किया गया है, यह यहां के ठगों ने किया है। अपने पूंछ बनाए रखने के लिए, अपनी पूंछ बनाए रखने के लिए और शेष सबको नीच बनाए रखने के लिए वर्ण का बंटवारा कर दिया, जातियों का बंटवारा कर दिया, इंसानों को बांट दिया। और यही कारण है आज हमारा समाज टुकड़ों में बट गया। इसीलिए